आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉग में मेन मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, जिसको हम होम मेनू के नाम से कहते हैं। तो ये हमारा जो होता है, ये मेन मेनू होता है। हम यहाँ अपना कोई भी टैग लगा सकते हैं, ठीक है, जो हमारा पोस्ट होता है हम उसके लिए क्रिएट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा इसका ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, इसका आपने हमारा अगर पहला पार्ट नहीं देखा है, तो हमारे वेबसाइट में जाएंगे softtraining.com में, और या तो हमारे यूट्यूब चैनल में आएंगे और प्लेलिस्ट पे आएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं हमने न्यू ब्लॉग करके एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो इसका पहला भाग आप देखेंगे कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का सेकंड मेथड है, हम मेन मेनू को कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आप आएंगे अपने ब्लॉग को लॉगिन करेंगे, तो अगर ओल्ड वर्जन पे होगा तो कुछ इस तरह का शो करने वाला है, अगर न्यू पे होगा तो हम न्यू पे करते हैं। न्यू पे कंटिन्यू क्लिक करके हम यहाँ पे ले आएंगे इसको न्यू वर्जन पे। ये तो हमारा न्यू वर्जन है। तो दोस्तों, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि मेन मेनू सब मेनू कैसे क्रिएट करते हैं। तो दिखा देते हैं अभी आपको, हमने अपने ब्लॉग को ओपन कर रखा है, तो अभी देख सकते हैं कि हमने पोस्ट लिख रखी है और हम इसका कैसे क्रिएट करते हैं। मेन मेनू हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हम रिमूव भी करेंगे और ऐड करके भी दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो जैसे सपोज मान को हमें ये पोस्ट का मेन मेनू में लिंक देना है, तो हमने इसको भी ओपन कर लिया और हमने इसको भी ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका बनाने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग में आना है, लेआउट में जाना है। मैं लेआउट पे क्लिक करके विंडो ओपन कर लेना है। तो आपका ब्लॉग में जो थीम है उसके सेटिंग का लेआउट कुछ इस तरह होगा। आपका अलग अलग थीम का अलग अलग लेआउट होता है, लेकिन प्रोसेस तकरीबन तकरीबन सबका सेम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर जो हमारा है, ये लिंक लिस्ट है। ये लिंक लिस्ट वो वाला है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। हम आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह का है। तो ये हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हमने ये वेबसाइट पर हम आए हैं, तो ये वाला जो छोटे आइकन है, यहाँ हम अपना कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है, तो ये फेसबुक है, तो हम इसे एडिट करके अपना फेसबुक का यूआरएल यहाँ दे देंगे। ऐसे ही हम अपना इसे ओपन करेंगे और यूट्यूब का या इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जो कुछ भी होगा हम एडिट करके यहाँ से यूआरएल हम उसका दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए क्या करते हैं, हम होम पेज को अपने सेट करते हैं और ये लेटेस्ट वाला भी सेट करते हैं। तो हम आएंगे, अब देख सकते हैं ये हमारा हेडर मेनू था लिंक लिस्ट, और ये हमारा हेडर मेनू है, ठीक है। अब इसको भी हम फिक्स करने वाले हैं। लेटेस्ट में हम यहाँ देख सकते हैं ये रहा लेटेस्ट का, ठीक है, लेटेस्ट लिखा हुआ है। हम इसको चेंज करके दिखा देते हैं, जैसे कि ये लेटेस्ट है, हम यहाँ इसको कर देते हैं न्यू ब्लॉग, और हम इसमें लिंक भी देंगे। जैसे ये है, तो हमने ये आपको बताया था, आप कोई सा भी लिंक दे सकते हैं, जो भी आप बनाएंगे उसका लिंक आप भी यहाँ से कॉपी करना है। कंट्रोल सी करो या कॉपी कर लो, और हमें उस लिंक को इस सेक्शन में पेस्ट करना है। इसे कंट्रोल ए करके हमने डिलीट कर दिया, और हमने जो कॉपी करा था वो पेस्ट कर दिया। अब हम इसे सेव कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट लिखा हुआ था। अभी हम इसे रिफ़्रेश करके देखने वाले हैं कि कुछ हमारा चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमने न्यू ब्लॉग लिखा था, आ गया नहीं आ गया। देख सकते हैं यहाँ न्यू ब्लॉग आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हमें अदर में भी सेम ऐसे ही करना है। एडिट पे क्लिक करना है, पॉपुलर लॉब ट्रेनिंग जो भी है सब पे हमें कर लेना है ऐसे ही एडिट। तो अभी एक्चुअली हमारे पास तो ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको डिलीट करके हज दे देंगे,
ताकि ये हमारे होम मेनू पे आ जाए। अभी किसी और का लिंक ये ओपन हो रहा है, हम इसे हाइड दे देते हैं आपको दिखाने के लिए। आप अपना कुछ भी यहाँ यूआरएल दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो हमने सेव कर दिया इनको। उसके बाद अब हम एक बार और रिफ्रेश करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। हमने हैज़ वहाँ पर डाला हुआ है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। हमें पॉपुलर पे हमें क्लिक करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं कुछ एरर नहीं आ रहा, हमारे होम पेज पे ले जा रहा है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको ये लाइन भी चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो दोबारा से हम आएंगे मेनू लिस्ट, मेनू मेनू में आएंगे। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें इतना सारा चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास अभी पोस्ट नहीं है, तो हम बाकी डिलीट कर देंगे। हम एक दो रखेंगे आपको दिखाने के लिए। हमने दो रख लिया एग्ज़ाम्पल के लिए। अभी हम इस पर करते हैं, क्रिएट ब्लॉक वाली पोस्ट को हमने कॉपी कर लिया। लिंक पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम लिख देते हैं न्यू ब्लॉग। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेड है। हमारे पास ज़्यादा पोस्ट नहीं है, इसलिए हम आपको ऐसे ही क्रिएट करके दिखा रहे हैं एग्ज़ाम्पल के लिए। अभी हमने नया ब्लॉग क्रिएट कराया आप लोगों को सिखाने के लिए। हम इसमें धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं और अच्छा बना देंगे हम। आप लोग इसे देखते रहिए और हम बना देंगे। हमने लिखते हैं आप PDF। ये हमने PDF अपलोड का भी बना दिया। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक टैग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टैग का मतलब जैसे है, जैसे हमने ब्लॉग हेल्प बना रखा है, तो हम ब्लॉग हेल्प पे करेंगे तो इस कैटेगरी में हम जितने भी पोस्ट लिखेंगे वो सारा हमें शो होने वाला है। तो देख सकते हैं अभी हमने एक ही पोस्ट लिख रखा है, तो जैसे हमको टैग देना है तो पूरा हम कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहाँ से करेंगे फिर से एडिट और इसे डिलीट करेंगे, फिर ये पेस्ट करके और यहाँ हम लिख देते हैं हेल्प ब्लॉग। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हैं आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और यहाँ अपना लिंक देके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके सामने ऐसा क्रिएट हो जाए। आप कितने भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं और इसे नीचे ऊपर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, और हम ये सेव करके दिखाते हैं। अब हम इस वाले इसको रिफ्रेश करेंगे कि हमने जो चेंज करा है वो हुआ या नहीं हुआ। तो हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं हमने जो अभी तक हमने करा था सारा चीज़ यहाँ अपलोड हो चुका है। तो अभी हम इसको PDF अपलोड को भी करके दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा ये वाला पोस्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसका जो इसको हम होम पे लाते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं। जैसे सबसे नीचे हमें मान के चलो हमें कुछ भी लगाना है, सबसे नीचे आते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ, यहाँ का भी सिंपल वही प्रोसेस है। और ऐड वगैरह जो कुछ भी लगाना हो आप यहां से लगा सकते हैं। अगर ईयरफोन वगैरह परचेज़ करनी है तो अमेज़ॉन से ले सकते हैं यहां से लिंक क्लिक करके। ठीक है, तो हम यहां आते हैं, नीचे वाला भी आपको दिखा देते हैं। यह रहा नीचे का सेक्शन। आप यहां भी अपना सोशल आइकन का लिंक जो है वो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस वही है, आप लिंक क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको और भी कुछ इसमें गैजेट वगैरह लेना है तो आप ऐड ए गैजेट पे करेंगे। उसके बाद यहाँ विंडो ओपन होगा, आप यहाँ से अपने मनपसंद से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और आपको जैसे कि एक दिखा सकता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे
एक गैजेट में लगा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि समझ में भी आ जाए। सपोज़ मान लो कि हमें फॉलो बाय ईमेल लिखना लगाना है, तो देख सकते हैं हमें, एक मिनट, ये फॉलो बाय ईमेल, अभी हमारे पास ये शो नहीं हो रहा है, हमने इस पर क्लिक करा, देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया सेव, और सेव थीम पे क्लिक करना है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कोई गैजेट नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है, ये सबसे ऊपर होगा तो हमें इसे क्या करना है, सबसे नीचे ले आना है, क्योंकि अभी ऊपर होगा क्योंकि फॉलो बाय ईमेल सबसे ऊपर बुरा लगेगा, तो हम इसे नीचे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव करेंगे। सेव हो चुका है, अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा एक गैजेट फॉलो बाय ईमेल आया या नहीं आया। तो अभी हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, देख सकते हैं आपके यहाँ फॉलो बाय ईमेल आ चुका है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हम इसके बाद तो अपना तीसरा पार्ट बनाने वाले हैं, उसको भी ज़रूर देखिए। हम आपको पूरे ब्लॉगिंग के लिए पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।